बुजुर्गाने मोहतरम, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे नबी सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही कयामत से पहले पेश आने वाले अहवाल को बहुत तफसील से बयान कर दिया था, और ऐसी बातों को अलामात कयामत कहा जाता है। इन अलामात में बाज वो हैं जो कयामत से बहुत पहले पेश आने वाले हैं, और बाज वो हैं जो दरमियानी जमाने में पेश आने वाले हैं, और बाज वो हैं जो कयामत से बिल्कुल करीब पेश आने वाले हैं। इन अलामात का जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि इन अलामात के जरिए हमें मालूम होगा कि दुनिया में क्या क्या अहवाल पेश आने वाले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी वही से सब कुछ बता दिया था, और आपने अल्लाह की वही की बुनियाद पर सारी बातें बयान फरमा दी, ताकि उम्मत के सामने सारे अहवाल बिल्कुल वाजह तौर पर मौजूद रहे और वो अंधेरे में न रहे। और आज जो जमाना जिससे कि हम गुजर रहे हैं, जिन खतरात और परेशानियों में है, और मुसलमान बिलखसूस इसके अंदर जिन हालात से गुजर रहे हैं, दुनिया सारी परेशानी में है, दिगरगो है, हालात अबतर हैं, रोज बरोज जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये सारे अहवाल इस बात के मुतकाजी हैं कि हम उन सारी अहादीस को एक दफा गौर के साथ में पढ़ें और देखें और समझने की कोशिश करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कयामत से पहले पेश आने वाले क्या क्या अहवाल बयान कर दिए। इससे एक तरफ हालात जमाना समझने में हमें मदद मिलेगी, और दूसरे अपने आप को तैयार करने में हमको कुछ सलीका मिलेगा, और तीसरे ये कि दीन इस्लाम पर और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी सदाकत पर, आपकी नबूवत पर, आपकी दियानत पर, आपकी अमानत पर हमारा ईमान और ज्यादा पुख्ता से पुख्ता तर होता जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि चंद मजालिस में आपके सामने कयामत की अलामतों में से अहम अहम चीजों का तज़किरा करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जो जमाना आगे बढ़ रहा है, कयामत हमसे करीब तर होती जा रही है। इसलिए अब हम इन अलामात को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत मुफीद होगा। आज की सोहबत में मैं उन अलामात में से जो कयामत से बहुत पहले पेश आने वाले हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका तज़किरा फरमाया था, उनमें से सिर्फ एक अलामत का तज़किरा करूंगा। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकूमु सआतु हत्ता तखरुज नारुम मिन अर्ज़िल हिजाज तुज़ीउ अनाक़िल इबली बिबुसरा। कयामत कायम न होगी यहां तक कि हिजाज की सरजमीन से एक आग निकलेगी जो बुसरा शहर के ऊंटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। यह हदीस पाक है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और दूसरे बहुत से मुहद्दिसीन किराम ने रिवायत किया है, और सही दर्जे की हदीस है। इस हदीस में गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक पेशगोई की थी कि कयामत से बहुत पहले एक आग का हादिसा पेश आएगा, और वो आग हिजाज की सरजमीन से निकलेगी, और इस आग का हाल ये होगा कि बुसरा शहर के ऊंटों की गर्दनें उसके अंदर दिखाई देंगी और वो रोशन होगी। ये अलामत कयामत आज से बहुत पहले पेश आ चुकी है। उलमाए किराम ने किताबों में इसका तज़किरा किया है, मुअर्रिखीन ने इसका तज़किरा किया है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये आग सन 654 हिजरी में मदीने तैयबा के करीब एक इलाके से निकली और फैलती चली गई,
और 52 दिनों तक मुसलसल भड़कती रही और इसको पूरी तरह ठंडी होने में तकरीबन 3 माह का अरसा लगा। अल्लाह अकबर, ऐसी अजीब और गरीब आग। इस आग की तफसीलात किताबों के अंदर मौजूद हैं। मुतअद्दद मुअर्रिखीन ने और उस जमाने के लोगों ने जो उस वक्त मौजूद थे, उनमें से बाज़ बड़े बड़े लोगों ने इसका तज़करा अपनी किताबों में किया है। मैं यहां पर एक दो हजरात का तज़करा करूंगा जिन्होंने इसकी तफसीलात लिखी है और उनके बयानात को नकल करूंगा। इस आग के वाकये के वक्त मशहूर मुफस्सिर कुरान अल्लामा इमाम कुर्तुबी भी दुनिया में मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब अत-तज़किरा बि अहवालिल मौता व उमूरिल आखिरा में इस आग के हादिसे का तज़किरा किया है और लिखा है कि हिजाज में मदीने तैयबा में एक आग निकली और उसकी इब्तिदा एक जबरदस्त जलजले से हुई और यह आग कुरैजा के मकाम पर हर्रा के पास जाहिर हुई, जो एक बड़े शहर की तरह नमदार हो रही थी, जिसकी फसील हो और इस पर कंगूरे बुर्ज और मीनार बने हुए हो, और कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते थे जो इस आग को हांक रहे हो। यह आग जिस पहाड़ पर से गुजरती उसे ढा देती और पिघला के छोड़ देती थी, और इसके अंदर से सुर्ख और नीली नहर जैसी लहरें उठती हुई दिखाई देती थी, जिसमें बादल किसी गरज की आवाज थी। वो आग अपने सामने के पहाड़ों और टीलों को अपनी लपेट में ले लेती थी। फिर ये आग मदीने के करीब आ गई, मगर इसके बावजूद मदीने में ठंडी हवा चल रही थी। इस आग में समंदर का सा जोश और खरोश मालूम होता था। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मुझको बताया कि मैंने इस आग को 5 दिनों की मसाफत की दूरी से फजा में बुलंद होता हुआ देखा, और कहते हैं कि मैंने सुना कि वो मक्का और बुसरा, ये बुसरा एक शहर का नाम है जो मुल्क शाम के इलाके में वाकई है, कहते हैं कि वो मक्का और बुसरा के पहाड़ों से भी देखी जा रही थी। ये बयान है इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह का। इससे अंदाजा करो कि वो आग किस किस्म की होगी और किस कदर अजीम तरीन होगी। और एक और बड़े मुहद्दिस अल्लामा इमाम अबू शामा अल-मक़दिसी, वो भी उसी दौर में गुजरे हैं, उन्होंने भी इस आग का हाल बयान किया है जो उनको मुख्तलिफ जरियों से और मोतबर तरीकों से मालूम हुआ था। उन्होंने लिखा है कि मुझे मोतबर लोगों के खतूत से मालूम हुआ कि जुमादत सानिया के पहले जुमे को मदीने की मशरिकी समत से एक अजीम आग नमदार हुई, उसके और मदीने के दरमियान आधे दिन की मसाफत की दूरी थी। यह आग जमीन से निकली और उस आग से एक ऐसा लग रहा था कि आग की वादी बह रही हो, यहां तक के वो जबल ओहद के बराबर में आ गई। और इस आग की वजह से हर्रा मकाम की जमीन फट गई और ये आग इतनी बड़ी थी जितनी के मस्जिद नबवी का रकबा था, और कहते हैं कि इसमें से छोटे छोटे पहाड़ मालूम होते थे, और ये इस कदर फैली कि मक्के वालों ने उसका मुशाहदा किया और ये आग महीनों तक बराबर कायम रही और फिर उसके बाद बुझ गई। ये इमाम अबू शामा का बयान है। इसी तरह उसी दौर के एक बुजुर्ग अल्लामा कुतुबुद्दीन कस्तलानी, जो उस वक्त मक्के मुकर्रमा में खुद मौजूद थे, वो बयान करते हैं कि मुझे एक मोतबर शख्स ने बताया कि उसने हर्रा मकाम पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखा जिसका बाज हिस्सा हरम मदीने से बाहर था और बाज हिस्सा मदीने तैयबा के अंदर था, और आग उसके सिर्फ उस हिस्से को लगी जो मदीने से बाहर था, और जब वो उस हिस्से को पहुंची जो हरम मदीने में था तो वो आग बुझ गई। उसी दौर के एक काजी अल्लामा सदरुद्दीन हनफी ने
अल्लामा इब्ने कसीर मुफस्सिर कुरान को एक खबर दी और बताया कि वो आग के जमाने में बुसरा में मुदर्रिस थे और उनके वालिद भी वही मुदर्रिस थे। उनके वालिद को एक देहाती ने बताया कि हमने इस आग की रोशनी में ऊंटों की गर्दनों को देखा। यह बुसरा एक शहर है मदीने तैयबा और दमिश्क के दरमियान, मुल्क शाम का मारूफ तरीन शहर। और इस शहर में हमारे नबी अलैहिस्सलाम बचपन में गए थे, जिसका तस्करा हदीस की और सीरत की किताबों में मौजूद है। गौर कीजिए इस हदीस पर जो ऊपर पेश की गई, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी कि हिजाज की सरजमीन से एक आग निकलेगी और वो आग इस तरह होगी कि उसकी रोशनी बुसरा शहर के अंदर दिखाई देगी और वहां के ऊंटों की गर्दनें उसके अंदर रोशन हो जाएगी। ये सारी बातें बेआईन ही पूरी हुई, जैसे कि तारीख के हवाले से मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया और लाखों इंसानों ने इसका मुशाहदा किया और मुअर्रिखीन ने इसका तस्करा किया और इसकी तफसीलात बयान की। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक अजीम मोजिजा है जो आपने बयान किया था और वह बिल्कुल हूबहू इसी तरह वाकई हो गया। इससे एक तरफ हमारे ईमान तरोताजा हुए और दूसरे मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की और यह पेशगोई वाकई हो चुकी। बहुत सी पेशगोइयां और भी हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की और वो वाकई होती चली गई, और कुछ वो हैं जो अभी जारी है और उसका सिलसिला चल रहा है, और कुछ वो हैं जो कयामत के बिल्कुल करीब पेश आने वाली हैं, जैसे कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जहूर, हजरत सैयदना महदी अलैहिस्सलाम का वुरूद, और इसी तरह दज्जाल का दुनिया में जाहिर होना और मुख्तलिफ किस्म के फितने और बड़ी बड़ी जंगों का वाक़ होना और दज्जाल का कत्ल किया जाना, इस्लामी हुकूमतों का कायम होना, ये सारी बातें अभी बाकी मौजूद हैं। ये क़र्ब क़यामत के अंदर पेश आएंगी। इस तरह कुछ अलामतें पेश आ चुकी, कुछ अलामतें ज़ाहरी तौर पर अभी चल रही हैं और कुछ अलामतें वो हैं जो बाद में चलकर पेश आने वाली हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की और उसके साथ अपने आप को कुछ बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।